जी बिल्कुल, लेबर यूनियन की जानब से जो है वो डीपीओ गुजरात के ऑफिस के बाहर जो है बहुत बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि रमज़ान शरीफ के इस महीने में और शदीद गर्मी में यहाँ पर जो है वो लेबर में खवातीन, मर्द और छोटे छोटे बच्चे जो है वो डीपीओ गुजरात के ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि पुलिस की जानब से जो है वो इनके एक नायब सदर के खिलाफ जो है वो झूठी FIR जो है वो दर्ज की गई है। इस वक्त ये हमारे हमरा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये यहाँ इतनी गर्मी में क्यों एहतजाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नायब सदर रजीबास एक चुकी FIR चोरी की दर्ज हुई है, उसमें नामजद करके चौधरी तैयब पठा मालकान उसके कहने पे हमारे आदमी को नामजद करके रात 1:15 बजे थाना सिटी की दूध में उधर से उठाया इन्होंने, मुतलका थाने में भी नहीं आगाह किया। ठीक है, फिर हमने 15 पे कॉल की, 3-4 घंटे के बाद हमें पता चला हमारा बंदा जेड़ा जाबरे ऐसे ही ले गया। ठीक है, ये सरासर जाती है। मैं अपील मुतालबा करूँगा DPO साहब से और RPO साहब से, IG साहब से, हमारा पठा मजदूर रजीबास को फौरी तौर पे रिहा किया जाए और जो चुठी FIR दर्ज हुई है उसको खारिज किया जाए। अगर ना हुई तो पूरे पंजाब में हम दमादन बस कलंदर करेंगे और आर ज़िले से पठा मजदूर, किसान मजदूर, खेत मजदूर, रेड़ी वाला, रक्षे वाला, तमाम मजदूर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना उनका कहना यह था कि अगर हमारा बंदा जो है रजी अब्बास उसको रिहा ना किया गया, DPO ने नोटिस ना लिया, तो हम पूरे पंजाब में जो है वो हड़ताल करेंगे। मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त SHO सिविल लाइन अदनान शहजाद जो है वो और DSP के रीडर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके इनके साथ मुजाकरात जारी हैं। जी